किशनगंज में दशहरा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में शांति और सद्भाव के साथ पर्व त्योहार मनाने को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक जारी है। इस बाबत ठाकुरगंज और बहादुरगंज थाने में भी बैठक की गई है, जिसमें अनुमंडल अधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर पंचायत के अधिकारी शामिल हुए। थाना परिसर में स्थानीय SHO की मौजूदगी में प्रबुद्ध जनों के साथ गाइडलाइन पर चर्चा हुई और सभी मौजूद पक्षों से शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न कराने को लेकर सहमति ली गई। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में पूजा सादगी के साथ मनाने को लेकर सिविल सोसाइटी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आइए जानते हैं इस मौके पर SDM लतीफुर रहमान ने क्या निर्देश दिए हैं। सभी जनप्रतिनिधिगण एवं ठाकुरगंज प्रखंड के सभी बुद्धिजीवी नागरिकगण, सभी सामाजिक और दूर दराज इलाकों से आए हुए खुशी मेहमानों, बुजुर्गों और मीडिया में आप सभी का इस शांति समिति की बैठक में मैं स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर तक यानी 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार है और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सप्तमी के दिन से लेकर दसवीं के दिन तक माँ माता की दर्शन करने के लिए महिलाएं, पुरुष और श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या में बढ़ जाती है और भीड़ अत्यधिक होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा चोरी, पकड़मारी, छेड़खानी इत्यादि जैसे असामाजिक घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में पूजा पंडाल के आयोजकों से पूर्व में भी अनुरोध किया गया होगा और मैं इस बैठक के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में वॉलंटियर रखें, CC कैमरा लगाएं।